आज धबकी बन गई है पारो बंगाली अवतार में। वो अपनी सास के साथ अपने ही घर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में थिरक रही है। हालांकि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द है, एक तो पैर में चोट आई है और ऊपर से अब तो बिहान भी व्हीलचेयर पर सवार हो गया है, वो भी देवदास सा बन गया है। फिर ये पारो दुखी क्यों ना होगी। किरण शिखेर जी का डांस है तो उनके हिसाब से पूरा लुक रखने का प्रयास किया गया है उसमें। रेड साड़ी तो ये ब्लैक हमने बॉर्डर लगा के इसको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है, प्लस ये ब्लैक ब्लाउज और बाकी ये जो मणि माला होती है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी किरण खेर जी के गेटअप में वो थी ये बालों का जो ऑर्नामेंट था, ओपन लॉन्ग हेयर एंड ये बालों का ऑर्नामेंट ये बनाया गया है। थपकी के घर ये नाच गाना हो रहा है दादी के लिए, दादी को खुश करने के लिए, जिसमें हर कोई दादी के लिए ही परफॉर्म कर रहा है। खलनायिका श्रद्धा भी यहाँ कह रही है कि उसने कुछ सुन लिया है। एक इंसान है जिनका नाम है जॉन और कहीं ना कहीं मेरी उनके तरफ इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है और उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं ये परफॉर्म कर रही हूँ क्योंकि उनका ये फेवरेट सॉन्ग है और मुझे किसी गाने पे परफॉर्म करना था और मुझे कोई गाना मिल नहीं रहा था तो मैंने इसका जिसको परफॉर्म जिसको इम्प्रेस करना है उन्हीं के गाने पे परफॉर्म किया जाए। के ही मनपसंद गानों पर परफॉर्मेंस हो रहा है। एक कपल बन गया है राज कपूर और नरगिस और कर रहा है प्यार का इकरार। दूसरा एक कपल भी रेट्रो गाने पर थिरक रहा है और दादी को राजी करने की कोशिश कर रहा है और हाँ साथ में जनता की वाहवाही भी बटोर रहा है। एक दादी के लिए परिवार वालों का ये प्रेम देखने लायक है। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे थपकी का एक और मकसद भी है, अपनी जासूसी को पूरा करना और वो कर ही रहेगी। ये इन पूरी फैमिली को पता नहीं कि अभी बिहान गायब है, थपकी घर छोड़ के जा चुकी थी लेकिन दादी के लिए फिर से रुक गई है और दादी और मेरी माँ जो कोसी माँ है उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, एक सौदा हुआ है कि अगर बिहान की जान बचानी है तो वो जो सबूत उसके हाथ लगा उसे देना पड़ेगा वापस। और आज तो इनके लिए खुशी का और नाचने गाने का एक और बहाना भी तो है क्योंकि थपकी के सास और ससुर जी का जन्मदिन जो है और सेट पर बहुत ही खुशी से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। दो दो केक यहां पर मंगवाए गए हैं। मुंबई से खुशबू मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।